नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी चहिता सैम फिर से लौट आया हूँ नए कार्ड गेम लेकर। तो मैं आज जिस कार्ड गेम को लेकर आया हूँ उसकी कार्ड गेम का नाम है कॉल ब्रेक। किसी किसी जगह पर इस गेम को कॉल ब्रिज भी कहा जाता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। और ये गेम ब्रिज और हार्ट यानी काली बेगम के साथ थोड़ा सिमिलर है। इस गेम को अगर सीख जाओ तो वो दो बम फेंकना भी आसान हो जाएगा। और मैं इसके बाद में हार्ट यानी काली बेगम और उसके बाद में ब्रिज का खेल लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग ये गेम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये कॉल ब्रेक में जो ताश सबसे बड़ा होता है वो ताश है ये टेक का, आप देख सकते हैं ये स्पेड का टेक का, उसके बाद स्पेड का फाइव, क्योंकि जो ट्राम कलर है वो ये स्पेड है। कॉल ब्रेक खेल में ट्राम कलर हर गेम के लिए स्पेड होता है, तो इसीलिए स्पेड का टाका और ये स्पेड का किंग सबसे बड़ा है, उसके बाद बीबी है, उसके बाद गोलाम है, उसके बाद टेन है, इस तरह से सबसे छोटा है टू। और बाकी जो कार्ड है ये सब ट्राम कलर नहीं है, ये जनरल कार्ड है, इसमें भी सबसे बड़ा है ये टिक्का, उसके बाद किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जे, उसके बाद टेन, इस तरह से सबसे छोटा है टू। तो ये जो गेम है ये खेल में एक से ताश से खेला जाता है और फोर प्लेयर खेलता है, सारे प्लेयर इंडिविजुअल खेलता है, एक के साथ एक प्लेयर बनाकर या टीम बनाकर नहीं खेल सकते। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ गेम का। जो डीलर है वो सबको कार्ड मिलाएगा, 13-13 कार्ड सबको देगा। और इसमें और एक रूल्स है उसको भी बता देता हूँ। अगर आप लोग परमानेंटली स्पेड अगर ट्राम कलर चूज़ नहीं करना चाहते हो तो जो डीलर है वो उस दूसरे नंबर प्लेयर को ये कार्ड देगा अच्छे तरह से मिक्स करके, और वो इस तरह से कार्ड उठाकर आप देख सकते हैं ये जो डीमन है इसको काला चूज करता है, उसके बाद ये कार्ड को इस तरह से काट देता है। ये भी एक प्रोसेस है, मगर ज़्यादातर खेल में और ऐप्स में भी आप खेलना चाहते हो तो वहाँ पर स्टेट कलर को परमानेंट कलर ट्राम कलर चूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ कि मैं डीलर हूँ और ये जो एक प्लेयर है मेरे लेफ्ट साइड में ये वन नंबर प्लेयर है, यहाँ पर जो प्लेयर है वो टू नंबर प्लेयर है, यहाँ पर जो प्लेयर है वो थर्ड नंबर प्लेयर है, मैं फोर्थ नंबर प्लेयर हूँ। इस खेल के लिए कार्ड को अच्छे तरह से मिक्स करना पड़ता है, तो मैं पहले कार्ड को अच्छे तरह से मिक्स कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं। इसके बाद में 13-13 करके सबको सार्व कर दूँगा। ये खेल में 13 करके सबको कार्ड दिया जाता है, इसलिए सब यहाँ पर 13 हैंड्स होता है। इस 13 हैंड में से जितना हैंड आप ले सकते हैं उतना गेस करके आपको कॉल देना पड़ता है, और अगर वो कार्ड आप उठा लेते हैं तो आप प्लस में रन करोगे, अगर वो कॉल नहीं उठा पाओगे तो माइनस में रन करोगे। तो आप देख सकते हैं ये एक नंबर प्लेयर का हैंड है, यहाँ पर परमानेंट कलर चूज किया गया है स्पेड को, इसके हैंड में स्पेड कार्ड सिर्फ 2 है 3 है। बहुत सारे क्लब कार्ड है, अब देख सकते हैं ये है हैंड। तो इस हैंड में कितना कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग है, तो यहाँ पर शायद एक कार्ड होगा, यहाँ पर एक किंग है, यहाँ पर भी शायद एक कार्ड हो सकता है, टू कॉल, इसके हैंड में सेफ कॉल है 2, अब देख सकते हैं यहाँ पर सेफ कॉल है 2। और 3 कॉल अगर देना चाहते हैं तो ये पर एक हार्ट है, अगर किसी ने कलर कार्ड खेल देगा तो ये 3 स्पीड नहीं उठेगा, मगर ये कलर खेलने से पहले अगर हार्ट किसी ने खेल दिया वहाँ पर से एक स्पीड इसने उठा लिया तो इसके हैंड में 3 कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 कॉल लिख लेता हूँ। इसमें एक पेन होता है, एक पेज होता है जहाँ पर कॉल लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पर पेज और पेन नहीं लिया हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोग जब खेलेंगे तो आप लोगों को पेन पेपर ज़रूर लेना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉल इसने दिया है, तो ये 3 कॉल लिख लेंगे
और एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आप स्पेड देख सकते हैं 3 कार्ड है, अगर ये किसी हैंड में एक भी स्पेड कार्ड नहीं है तो ये खेल नहीं होगा, फिर से साफ करना पड़ेगा। तो मैं ये हाथ पलट के रख देता हूँ, किसी खेल में हाथ शो नहीं किया जाता है, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कार्ड को शो करके रखता हूँ। इसके बाद ये सेकेंड नंबर प्लेयर का कार्ड हम देखते हैं, इसके पास जो कार्ड है, इसके पास 2 स्पेड है, 2 डीमन है, बहुत सारे हार्ट है, इसके हैंड में भी ज़्यादा काल नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हार्ट का एक टिक्का है, इससे एक कॉल होगा और यहाँ पर ज़्यादा कॉल होने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक किंग है, इसका एक कॉल हो सकता है, तो आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए 2 कॉल। यहाँ पर इसने 3 कॉल किया है, इसने 2 कॉल किया है। अब थर्ड प्लेयर का हैंड हम देख लेते हैं, इसके हैंड में जो कार्ड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 स्पेड है, जो ट्रम्प कलर है। ट्रम्प उस वक्त यूज़ किया जाता है जब किसी का खेल, किसी कलर का खेल चल रहा है, मगर उस कलर का आपके हैंड पे कार्ड नहीं है, तब आप ये स्पेड यूज़ करके ट्रम्प कर सकते हो। और ये जो कॉल ब्रेक खेल खेला जाता है, इसमें हमेशा बड़ा साफ देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो कार्ड पड़ा हुआ है उससे बड़ा कार्ड अगर आपके पास है तो उसको आपको देना ही पड़ेगा, और अगर उससे बड़ा कार्ड आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी कार्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैंड से पहले हैंड जो है वहाँ पर अगर पेट का जे होगा या 10 होगा या 9 होगा तो उससे बड़ा इसको बीबी ये देना पड़ेगा। समझ गए आप लोग, अगर ये छोड़कर आप लोग ये देना चाहते हैं तो नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर कल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 कॉल होगा, यहाँ पर 1 कॉल होगा, 2 कॉल होगा, यहाँ पर 1 कॉल होगा, 3 कॉल, तो इसका होगा ही। तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं 3 कॉल, यहाँ पर हुआ 3 3 6 2 8। अब ये हैंड देखते हैं 4th हैंड क्या है उसके पास। इसके हैंड में स्पेड है, 5 कार्ड स्पेड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डीमन का कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर स्पेड का कल तो 2 3 कॉल होगा ही, इतने सारे है। यहाँ पर हार्ट का कॉल बैक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसका कॉल 3 काउंट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं 1 2 3 कि 1 2 3 कि 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉल सेफ कॉल है, 4 कॉल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सेफ कॉल देता हूँ 3। अब देख सकते हैं यह हैंड तो जो साफ किया है, उसके बाद में जो प्लेयर है उसका खेल पहले स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा पीट लेने की कोशिश करेगा, और पहले जो ट्रम्प है वो कलर का कार्ड नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर इसने ये 8 खेल दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसने ये जैक खेल दिया है, तो इसके पास एक टाका एक ही कार्ड है, तो इसने ये दे दिया है और इसने ये कार्ड दे दिया है, तो ये पीट इसका हो चुका है। तब इसने क्या करेगा,
इसके पास ये 3 कॉल दिया है, तो इसके पास ये चाहते हैं कि और एक क्लब का खेल हो, तो इसमें ये 7 खेल देता है। वो स्पेड इसने नहीं खेल रहा है कि इसको ट्रम करना है। ये 7 का बड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है, जे है, किंग है, तो यहाँ पर ये 5 नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर 7 है, इससे बड़ा कार्ड देना पड़ेगा, तो ये जे दे देता है। तो इसके बाद इसके पास तो एक ही कार्ड है, तो ये दे देता है। अब इसके पास इस 5 कार्ड है हार्ट का, तो इसने सब बड़ा कार्ड, इससे बड़ा ये है, तो ये देकर ये पीट ले लेता है। लेने के बाद इसके पास आप देख सकते हैं ये 10 और साहिब है, तो ये खेल देगा। अगर इसने जे खेल दिया तो इसका किंग चला जाएगा, इसलिए इसने ये 10 खेल देता है। तो ये 10 खेलने से इसके 10 का बड़ा है, ये टिक्का इसके पास है, ये दे देता है। आप देख सकते हैं इसके पास 6 है, 7 है, बीवी है, यहाँ पर 10 और टिक्का पड़ा हुआ है, तो इसने यहाँ पर 6 दे सकता है क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा है क्वीन, उससे बड़ा टिक्का यहाँ पर है, तो ये छोटा कार्ड आप दे सकता है। अगर ये 10 टिक्का नहीं होता, सिर्फ 10 होता, तो इसको ये क्वीन देना पड़ता, तो इसने ये दे दिया। इसके पास छोटा है यही, तो इसने इसको दे दिया। अब देख सकते हैं ये पीट इसका हो चुका है। इसके बाद ये क्या खेलेगा, ये हार्ट खेल देगा। यहाँ पर ये हार्ट 2 खेल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट का टिक्का चला गया है, तो ये 5 देकर ये पीट लेना चाहेगा, मगर इसके पास आप देख सकते हैं इसके पास हार्ट नहीं है, तो इस जगह पर ये हार्ट नहीं है, तो ये ट्रम कर सकता है और ट्रम करना ही पड़ेगा। अगर कि किसी कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको ट्रम करना पड़ेगा, मगर आपके पास जो ट्रम कार्ड है उससे बड़ा ट्रम किसी ने अगर कर दिया है तो आप वहाँ पर दूसरा कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर ये 4 देकर ट्रम कर देता है और यहाँ पर ये सबसे छोटा कार्ड 4 दे देता है, तो ये पीट इसका हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये किंग इसने दे दिया क्योंकि इसके पास टिक्का चला गया है, तो ये किंग सबसे बड़ा है, तो ये पीट लेने के लिए दे देता है, मगर इसके पास नहीं है। आप देख सकते हैं इसके पास क्लब नहीं है, तो ये ट्रम कर देता है। इसके पास एक कट क्लब है, इसने दे देता है। इसका 3 कॉल था, इसने उठा लिया है। और एक बात मैं बता देता हूँ, इस खेल में जो चारों को कॉल देता है वो 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से कम अगर होता है तो ये खेल नहीं होगा। और यहाँ पर कॉल इसका 3, इसका 3, इसका 3 9, इसका 2 11 कॉल हो चुका है, इसलिए ये खेल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं उसने ये पीट ले लिया है, तो इसने दूसरे बार ये हार्ट खेलता है क्योंकि सबके पास जितने ट्रम कार्ड है वो चला जाए इसीलिए, मगर इसके पास है इसलिए 5 दे देता है। इसके पास भी है, ये 7 दे देता है, और इसके पास नहीं है, ये ट्रम कर देता है 7 लेकर। इसके पास है तो ये 6 दे देता है, पीट इसका हो जाता है। तो ये खेलने के लिए ये 9 खेल देता है। इसके पास किंग है, आप देख सकते हैं इसने दे दिया, तो इसके पास ये 2 है, इसने दे दिया। इसके पास ये 7 है, इसने दे दिया, ये इसका हो चुका है। तो इसने 2 उठ चुका है, तो इसलिए इसने ये 9 खेल दिया। 9 का बड़ा, इसके पास 9 से बड़ा ये क्वीन है, ये 5 नहीं दे पाएगा क्योंकि 9 से छोटा है, तो इसको क्वीन देना पड़ेगा। दे दिया इसने, ये टिक्का देकर ये पीट ले लेता है। इसके पास एक ही कार्ड रह गया है, तो इसने ये दे दिया, अब देख सकते हैं। तो अब ये क्या करता है, इसके पास आप देख सकते हैं 4 कलर का कार्ड है और एक रुईतन, ये एक डीमन का क्यू है, तो ये पीट लेने के लिए इसके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। ये जे चाल देता है, ये जे चालने के ये लोग 5 देगा, ये 10 देगा, जे बड़ा हो चुका है, क्वीन और किंग चला गया है, तो इसने 5 दे दिया और ये देख रहा है
ये यहाँ पर इतना कार्ड चला गया है और यहाँ पर इतना कार्ड चला गया और ये 10 कार्ड चला गया है, तो इसके पास जो 3 कलर कार्ड है ये 3 ही है और किसी के पास ये कलर कार्ड नहीं है, तो ये 8 खेलता है, ये 9 खेलता है, ये 3 खेल देता है, ये 3 खेल देता है, किसी के पास ट्रम कलर नहीं है तो ये सारे पीट इसका हो जाएगा, क्योंकि ये 6 खेलेगा, ये कुछ दे देगा, ये देगा, ये देगा, इस पीट ये हो जाएगा, इसका पीट भी ये हो जाएगा, इसका पीट भी इसका ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका पीट हो चुका है 6। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कॉल काउंट करता है। तो इसने कितना कॉल दिया था, इसने कॉल दिया था 3, मगर इसके पास अभी है 2 हैंड, तो 2 हैंड है इसलिए इसको माइनस हो चुका है, तो इसका माइनस होगा 30। ये 2 पीट उठा लिया है इसलिए इसके पास 2 छोड़कर और 1 माइनस है इसीलिए 10 माइनस होगा। इस तरह से नहीं होगा, जितना कॉल दिया है अगर उठा नहीं पाएगा तो उतना ही माइनस होगा, तो इसने 3 कॉल दिया है इसलिए 30, किसी किसी जगह 3 भी कहा जाता है, इसका 30 यानी 3 माइनस हो चुका है। आप ये 3 माइनस भी कर लिख सकते हैं, 30 माइनस भी लिख सकते हैं। इसने कॉल दिया था 2, इसका आ गया है 2 हैंड, इसलिए इसको 2 और 20 प्लस हो जाएगा। 2 भी लिख सकते हैं आप, 20 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 20 कह रहा है। इसने 3 कॉल दिया था, इसका 3 हैंड आ चुका है आप देख सकते हैं, तो ये 30 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इसने 3 कॉल दिया था, इसके पास 6 कॉल आ चुका है, तो 3 कॉल देकर 6 कॉल आ चुका है, तो इसका हो जाएगा 30 प्लस, और ये जो 3 है इसके लिए 30 नहीं होगा मगर 1, 2, 3 होगा, तो 30 प्लस 1, 2, 3 33 प्लस हो जाएगा इसका। आप ये 33 के जगह 3.3 भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 33 लिख रहा हूँ, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं कमेंट करके बता दीजिए, मैं कंफ्यूजन आपका जितना चाहे ठीक कर दूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरह से नए नए वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर।